नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आप सभी का एमरॉल्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर जो सेटिंग के काम में यूज होता है उसकी एमरॉल्ड सॉफ्टवेयर की एजुकेशन सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो कस्टमर्स के लिए तो है ही है, साथ में हमारे इंजीनियर्स भाई जो भी हमारे सॉफ्टवेयर लगाते हैं उनके लिए भी ये वीडियो खासकर है। इस वीडियो को देखना है कि हम कैसे जीरो को हटा सकते हैं एमरॉल्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर में। किसी बिल में अगर भी जीरो आ जाता है तो जीरो को कैसे हाइड करें उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। काफ़ी टेक्निकल वीडियो है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है। और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जो एमरॉल्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं उनसे कृपया एक निवेदन है कि वो इसको स्वयं ट्राई ना करें, बल्कि जिन भी हमारे इंजीनियर से आपने ये सॉफ्टवेयर लगवाया है उस इंजीनियर को आप लाइन पे लेके उनकी गाइडेंस में ये काम करेंगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज हो सकता है आपकी आरपीटी करप्ट हो सकती है। तो मेरा ये आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी इस एमरॉल्ड को यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर को वो पहले अपने इंजीनियर से संपर्क करें, जिनसे भी उन्होंने ये सॉफ्टवेयर लगवाया है उनसे कॉल करके उस जीरो को हटाएं, अगर भी आपके सिस्टम में भी आपके सॉफ्टवेयर में भी इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा एक क्लाइंट है, इनका ये मैंने लेजर खोला हुआ है, यहाँ पर ये जो बिल बना हुआ है इनका। तो इस बिल को जब मैं ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये आइटम्स हैं, जैसे फट्टी वगैरह हैं, गार्डर हैं, कुछ प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये आइटम्स इनको गए थे, अलग अलग डेट के अंदर गए होंगे ये, और किसी किसी डेट में आए हैं। तो कई बार किसी किसी सिस्टम के अंदर जैसे ये जीरो शो कर देता है, जैसे ये गार्डर 11 नंबर पे देखेंगे आपकी 14/10 से 24/11 तक ये 41 जीरो। कैलकुलेशन ओके है बिल्कुल, एज पर मैनुअल, एज पर हर तरह से कैलकुलेशन ओके है। बट जब कई बार किसी किसी के सिस्टम के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ पर वो जीरो शो करने लग जाता है, और ऐसे ही नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्लेट्स के अंदर भी ये यहाँ पर जीरो शो कर रहा है। तो जब आप प्रिंट देते हो, यहाँ पर जब प्रिंट की कमांड देते थे, यहाँ पर बिल के अंदर ये जीरो आ रहा है, यहाँ पर ये जीरो आ रहा है और यहाँ पर ये जीरो आ रहा है। तो इस जीरो को कैसे हाइड करना है या रिमूव करना है यहाँ से, बिल से, वो उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आपसे फिर से मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो भी क्लाइंट्स एमरॉल्ड सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं वो कृपया जिनसे भी उन्होंने सॉफ्टवेयर लगवाया हो उनको लाइन पर लेकर डैश एनी डेस्क की हेल्प से लेकर उनसे ये कराएं, आप खुद ना करें। तो आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर ये जैसे मेरे कर्सर को फॉलो करेंगे जो आरपीटी फाइल है, तो जहाँ पर आपका जिस ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर होगा, जैसे मेरा यहाँ पर ये जी ड्राइव में है और ये फोल्डर के अंदर हमारा एमरॉल्ड सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर जो भी आरपीटी, जिस बिल को भी आपने खोला हुआ है, जो भी आरपीटी आपकी सेट की होगी बिल डिजाइन की, वो आरपीटी यहाँ पर ही लगी हुई है। जैसे मेरे यहाँ पर लगी हुई है सेल्स बिल 2 आरपीटी लगी हुई है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर खुलेगा जो कि आरपीटी को डिजाइन करने का होता है। मेरे यहाँ पर क्रिस्टल रिपोर्ट 8 और 9 दोनों है, तो मैंने आरपीटी क्रिस्टल रिपोर्ट को खोल के 8 को, और वहाँ से हम जो हमारा सॉफ्टवेयर है जो एमरोल्ड का, उसके अंदर आपको फोल्डर के अंदर ये मिलेगी आरपीटी का नाम जो हमने अभी वहाँ देखा था सेल बिल 2। तो ये वाली आरपीटी है सेल बिल 2 की, इसको जब हम डबल क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो हमारा क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर जो बिल का डिजाइन है वो खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जीरो है और यहाँ पर ये यहाँ पर जीरो है। तो मेक श्योर जो भी हमारे इंजीनियर्स भाई हैं वो भी ये चीज़ देख लें कि ये जीरो आ रहा है। तो जब आप यहाँ पर डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेक श्योर करें कि यहाँ पर एन वाले कोड ना लगे हों, यहाँ पर एन वाले कोड ना लगे हों, टी वाले कोड लगे हों, कि ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, ये अलग अलग वेरियस फिगर है, तो यहाँ पर ये जो हमारा कोड लगा हुआ है वो यहाँ पर जो हमारा कोड लगा है वो टी के साथ लगा हुआ है, T21 का लगा हुआ है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये कोड्स वगैरह कैसे मिलेंगे। तो जब आप सॉफ्टवेयर के फोल्डर में जाते हो, जहाँ भी जिस ड्राइव में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसके फोल्डर में जाते हो, तो यहाँ पर ये कंपनी 12 के नाम से ये मिलती है 2। तो ये जब डबल शो हो रही है मीन्स कि आपने सॉफ्टवेयर नीचे खोला हुआ है, अगर ये सॉफ्टवेयर क्लोज होगा तो यहाँ पर ये सिंगल रहेगी। तो आपको यहाँ पर कौन सी कंपनी 12 खोलनी है, नीचे वाली जिस पे ये डाटा है, जो ऊपर वाला रहेगा वो ओनली 1 KB का रहेगा, जब सॉफ्टवेयर ओपन होगा तो डबल होंगे, तो आपको ये वाली खोलनी है जिसमें डाटा है, KB शो कर रहा है। तो इसको आप डबल क्लिक करके जैसे ओपन करेंगे, प्रिंटिंग को आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जैसे T1 वगैरह जो लग रहा है, T2 T3, ये हमारे कोड्स वगैरह हैं वेरियस। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि T15 में हमारे आइटम्स का नेम है, T16 में डेट रेंज है, T18 में क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से अब ये आप देखेंगे कि T21 में ये वाली जो फिगर है, T21 में यही फिगर हमारी यहाँ पर बिल के अंदर भी यही फिगर है, 113 273 955, 113 273 955। तो ये वाला जो कोड है ये T21 में भी लगा हुआ है, और इसको आप आगे देखेंगे तो ये एन की सीरीज में भी मिलेगा आपको। आगे एन पे चलते हैं हम सीधा, आपका समय खराब ना करते, N2 के अंदर भी ये कोड मिलेगा आपको, उसी फिगर का कोड N2 भी है। N कोड जो है वो न्यूमेरिकल फील्ड के लिए है और T कोड है वो टेक्स्ट फील्ड के लिए है। तो कई बार जैसे वहाँ पर N2 लगा होगा
तो भी आपको यही फिगर शो करेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये T21 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर डाटाबेस फील्ड में जाके डाओ पे, और N2 को मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो भी वही फील्ड आएगी। ये N2 है, इसको आप माउस से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आएंगे N2। तो अभी आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वही फिगर हमारा आ गया है, बट यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं हो यूज होगा जो जीरो हटाने के लिए होगा। तो हम इसको वापस से T21 लेते हैं, जो कि टेक्स्ट फील्ड है। T21 को हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आएंगे, इसको हम हटा देते हैं। इसको आप शिफ्ट बटन के साथ लेफ्ट एरो की से छोटा कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं, राइट लेफ्ट मिडिल सेंटर जो भी आप चाहिए। तो ये हमारा सेम फिगर हमारा जो है आ गया यहाँ पर। तो अब दोस्तों जो मेन टॉपिक था, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें कि ये फॉर्मूला अगर भी आपने गलत लगा दिया तो आपका फॉर्मूला सही नहीं बैठेगा और वो जीरो हाइड नहीं होगा। तो अभी हमने टी का कोड यहाँ पर ले लिया है, T21 हो गया। अब जिस भी फील्ड में, तो ये हमारा जो फिगर है वो कहाँ है, डिटेल्स वाली फील्ड में है। ये वाली जो फील्ड है वो डिटेल्स के ऊपर जो है पार्टिकुलर्स फ्रॉम लिख रहा है वो पेज हेडर में, और रिपोर्ट फुटर को नहीं छोड़ना। आपकी डिटेल्स के अंदर ये कोड कौन से फील्ड में, डिटेल फील्ड में। तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेक्शन में आप जाएंगे, इसको स्किप ना करें। फॉर्मेट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको किस सेक्शन के अंदर करना है, तो डिटेल का सेक्शन है, यहाँ पर डिटेल आ रहा है। और यहाँ पर आपको करना है प्रेस नो ड्रिल डाउन है, यहाँ पर आपको टिक करके और इसको आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह से फील्ड खुलेगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर बीच वाले इसमें जो मेरा माउस आप देखेंगे, आप सब देख लेंगे, स्ट्रिंग वैल्यू है ये स्ट्रिंग, क्योंकि जो टी कोड है वो टेक्स्ट का कोड है, उसको स्ट्रिंग करना है हमने। स्ट्रिंग पे जब आप डबल क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखे मिलेगा ये वैल्यू स्ट्रिंग। वैल्यू स्ट्रिंग जो है इस पर फिर से आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर VAL और ये ब्रैकेट आ गया है। तो अभी हमने इस ब्रैकेट के अंदर ही कर्सर रखना है, जो कर्सर है वो आपको ट्रिम कर रहा है ब्रैकेट के बीच में। अभी हमें कौन सा कोड उठाना है, जो हमारा यहाँ का कोड था जो क्रिस्टल रिपोर्ट में T21, तो डाओ T21 ये वाला जो कोड है इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसके अंदर ऑटोमेटिक जो है फीड हो गया है। इसको आप मैन्युअली भी आप डाल सकते हैं, VAL डाल के, डाओ डाल के। और इसके बाद आपको इस पूरे फॉर्मूले के बाहर आपको माउस से कर्सर क्लिक करना है और अपने कीबोर्ड से इज इक्वल टू बटन प्रेस करके और जीरो करना है, इज इक्वल टू बटन प्रेस करके और जीरो करना है। उसके बाद आप जब ऊपर यहाँ पर माउस लेके जाएंगे, सबसे लेफ्ट में मेरे कर्सर को देखेंगे आप, सेव एंड क्लोज, तो यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है और यहाँ पर वापस से आपको इसको ओके कर देना है। और अभी आप प्रीव्यू करेंगे तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ से जो दो जगह जीरो आ रहा था वो दोनों फिगर जीरो की यहाँ से हाइड हो चुकी है। ये आप पूरे इसको देखेंगे, यहाँ पर जीरो वैल्यू जो है वो आइटम जो है वो हाइड हो चुका है। उसके बाद सिंपली इसको आपको यहाँ से सेव कर देना है, मेरे माउस को देखेंगे, ये सेव किया और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये जीरो आ रहा था और ये जीरो आ रहा था, इसको वापस से हम क्लोज करके फिर से हम इसको कमांड देते हैं बिल की, प्रिंट की। तो अभी आप देखेंगे कि वो जीरो वाली जो आइटम थी वो हेडिंग जो है वो रो गायब हो चुकी है यहाँ से, जबकि इसका आपके बिल की अमाउंट पर या नेट कैलकुलेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो देखा दोस्तों कि कितना इजी है सॉफ्टवेयर से किसी भी आरपीटी को, किसी भी बिल डिजाइन को रीडिजाइन करना। आपसे कस्टमर से मैं वापस से आपसे दोबारा से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको खुद ना करें, अपने सॉफ्टवेयर वेंडर्स से आप बात करें और उनको एनडेस्क पे या ऑनलाइन लेके ही आप इस तरह का, अगर भी आपके साथ कोई इशू आ रहा है किसी भी पार्टी के साथ, तो इसको आप अपने वेंडर से संपर्क करके ही उनसे दूर कराएं जीरो को। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहो, तरक्की करो।